Sup guys, this is Kay. If you like this video, please like and subscribe. LIC Plan 832 Child Money Back। इस प्लान में पेरेंट्स यानी माता पिता ये प्रपोजर होते हैं जो प्रीमियम भरने वाले हैं और बच्चे ये लाइफ अश्योर्ड हैं जिनके नाम पे पॉलिसी होने वाली है। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं प्रपोजर एज 30 इयर्स और बच्चे की उम्र 0 इयर्स और सम अश्योर्ड है 10 लाख। तो ये पॉलिसी होगी 0 से लेके 25 साल तक। इसका सालाना प्रीमियम आता है 43,522 और ये प्रीमियम मैच्योरिटी तक भरना है, मतलब 25 साल तक भरना है। अब जब बच्चे की उम्र 18 साल की होगी तब उसे सम अश्योर्ड का 20% यानी 20% ऑफ सम अश्योर्ड जो है 2 लाख रुपीज वो मिलेगा। फिर 20वें साल में दोबारा 20% ऑफ सम अश्योर्ड यानी 2 लाख रुपया वो मिलेगा। फिर 22वें साल में 20% ऑफ सम अश्योर्ड यानी 2 लाख रुपया वो मिलेगा और 25वें साल में 40% ऑफ सम अश्योर्ड प्लस बोनस प्लस एफएबी जो आता है 20 लाख वो मिलेगा और पॉलिसी खत्म हो जाएगी। अब मान लेते हैं अनफॉर्चुनेटली 5वें साल में दुर्भाग्य से प्रपोजर की मृत्यु होती है और पॉलिसी में पीडब्ल्यूबी राइडर बेनिफिट लिया हुआ है, तो आगे का सारा प्रीमियम जो है वो एलआईसी खुद भरेगी और 18वें साल में जो 20% यानी 2 लाख रुपया मिलने वाला था वो भी मिलेगा। 20वें साल में फिर 2 लाख रुपया मिलेगा, 22वें साल में फिर 2 लाख रुपया मिलेगा और 25वें साल में 20 लाख रुपया मिलेगा। इसका मतलब आपने जो भी ख्वाब अपने बच्चों के लिए देखा है वो 100% पूरा होगा। आप रहोगे तो भी पूरा होगा, आप नहीं रहोगे तो भी पूरा होगा और ये सिर्फ एलआईसी कर सकती है। अगर प्रपोजर की डेथ होती है और पीडब्ल्यूबी राइडर बेनिफिट नहीं लिया है तो आगे का सारा प्रीमियम एलआईसी में फैमिली को भरना पड़ेगा, तभी आगे के सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। इसका मतलब पीडब्ल्यूबी राइडर ये प्लान में देना बेहद जरूरी है। ये प्लान में एक और बेनिफिट है, फ्लेक्सिबल इनकम का बेनिफिट। इसका मतलब उम्र के 18वें साल में अगर सर्वाइवल बेनिफिट नहीं लेना है तो वो अगले साल यानी 19वें साल ले सकते हैं। 19वें साल में सर्वाइवल बेनिफिट के साथ एक साल का इंटरेस्ट भी एलआईसी देगी। ऐसा ही वो 20वें साल में भी कर सकते हैं। अगर 20वें साल में वो नहीं लेना चाहते तो 21वें साल में ले सकते हैं और 21वें साल में सर्वाइवल बेनिफिट के साथ एलआईसी एक साल का इंटरेस्ट भी देगी। मान लेते हैं 5th ईयर में लाइफ अश्योर्ड की डेथ होती है, इसका मतलब बच्चे के लाइफ पे रिस्क कवर शुरू हो गया। प्रपोजर को सम अश्योर्ड और 5 साल का बोनस मिलेगा और प्लान बंद हो जाएगा। चलो देखते हैं बच्चे के लाइफ पे रिस्क कब शुरू होता है। अगर बच्चे की उम्र 8 साल है या फिर उससे ज़्यादा है तो रिस्क कवर तुरंत शुरू हो जाएगा। अगर बच्चे की उम्र 8 साल से कम है तो पॉलिसी शुरू होने के बाद डेट ऑफ कमेंसमेंट DOC के बाद 2 साल के बाद रिस्क कवर शुरू होगा। अगर डेथ रिस्क कवर शुरू होने से पहले होती है यानी 2 साल के अंदर होती है तो प्रपोजर को सिर्फ प्रीमियम पीछे मिलेगा, उसमें GST या कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम अगर भरा होगा तो वो नहीं मिलेगा। चलो इसके फीचर्स एंड कंडीशन देखते हैं। मिनिमम एज एट एंट्री इज 0 ईयर्स, मैक्सिमम एज एट एंट्री इज 12 ईयर्स, मैक्सिमम मैच्योरिटी एज इज 25 ईयर्स एंड पॉलिसी टर्म इज 25 ईयर्स माइनस एज ऑफ द चाइल्ड, 25 साल माइनस बच्चे की उम्र। पीडब्ल्यूबी राइडर के लिए प्रपोजर का मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 55 ईयर्स होना चाहिए। इसमें मिनिमम सम अश्योर्ड 1 लाख है और ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना भी कर सकते हैं, एलआईसी में बहुत दम है। इसमें लोन ऑप्शन भी अवेलेबल है, सरेंडर ऑप्शन भी अवेलेबल है जो कभी यूज़ नहीं करना चाहिए। जो भी प्रीमियम प्रपोजर भरता है उस पर इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलता है अंडर सेक्शन 80C और जो भी मैच्योरिटी अमाउंट हमको मिलती है यानी सर्वाइवल बेनिफिट होने दो या फिर मैच्योरिटी बेनिफिट होने दो उस पर भी हमको टैक्स बेनिफिट मिलता है अंडर सेक्शन 1010D। अब फॉर्म्स देखते हैं। अगर बच्चे की उम्र 0 से लेके 10 साल है तो हमें 360 नंबर का फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर बच्चे की उम्र 10 से लेके 18 साल तक है तो हमें 340 का फॉर्म भरना पड़ेगा। अब ये जो फॉर्म का कंडीशन है ये हर पॉलिसीज के लिए अप्लीकेबल है, सिर्फ ये प्लान के लिए नहीं, हर प्लान के लिए अप्लीकेबल है।
अगर किसी बच्चे को मेडिकल लगता है, मतलब सम अश्योर्ड अगर ज़्यादा है और मेडिकल रिक्वायरमेंट आती है, तो 340 का फॉर्म भरना पड़ेगा, 360 का फॉर्म नहीं भरना है। इवन इफ द एज ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की उम्र 0 से लेके 10 साल के बीच में है, तो भी पीडब्ल्यूबी राइडर के लिए प्रपोजर को अलग से खुद का 300 नंबर का फॉर्म भरना पड़ेगा। दोस्तों, हमारे बच्चों के ख्वाबों को पूरा करने की जिम्मेदारी हम पे है, हम हैं तो 100% उसे पूरा करेंगे, लेकिन अगर हम नहीं हैं तो भी उनके ख्वाब पूरे होने चाहिए। और इसीलिए LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी।